हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर खोले होंगे कि ट्रेनिंग सेंटर अलाउड। जी हाँ दोस्तों, तो किस स्टेट का कितना कैंडिडेट यहाँ पे जा रहे हैं इस ट्रेनिंग सेंटर में, जिस ट्रेनिंग का सेंटर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये अप्रैल माह में ये मतलब कि नोटिस वायरल हुआ है, नोटिस का ये फैक्स द्वारा मिला है नोटिस। और मई का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, COI जो है ABCDEFG एंड H, ये जो कैटेगरी है, इन लोग का ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और नए है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो को दिखाते हैं, इस नोटिस को पूरा स्पष्ट दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है, कार्यालय महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप हजारीबाग झारखंड प्रशिक्षण, ठीक है। ये हजारीबाग का है तो 2021। और ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि कब, 13 अप्रैल 2021 को, ठीक है। 13 अप्रैल 2021 को ये नोटिस आया है। महानिरीक्षक महोदय के अनुमोदय अनुसार बेसिक रिक्रूटमेंट प्रेशर देने हेतु कुल 1531 नव अध्यक्षकों को नियमानुसार गुलगो में को आवंटित किया गया है। आपको हो सकता है एक फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम पढ़कर सुना दे रहे हैं, ठीक है। 1521 रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर देखिए ABCDEFGHI, ठीक है। टोटल ये आसाम स्टेट का है, ये J&K जम्मू कश्मीर का, ये जो है ये केरला का है, ये तेलंगाना का है, ये पुदुचेरी का है। मतलब टोटल 1531 कैंडिडेट का ट्रेनिंग कराया जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CND वालों के लिए 12/4/21 से 17/4/21 तक, मतलब कि इतना दिन के बीच में वहाँ पहुँच जाना, 0 वीक का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। FNG में 26/4/2021 से 1/5/2021 के बीच में पहुंच जाना है। ANB वालों का 10/5/2021 से 15/5/2021 के बीच में पहुंच जाना है, वहाँ पर 0 वीक का ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब डेट देख ही रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये हजारीबाग सेंटर का है जो कैलेंडर, वो रिक्रूटमेंट का जो ट्रेनिंग होगा, बेसिक ट्रेनिंग 44 वीक का यहाँ पर होगा। देखिए बेसिक रिक्रूटमेंट BRT कहा जाता है जिसे, बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, 44 वीक का जो प्रोग्राम है इसके नियमानुसार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है तो केवल हजारीबाग कैंप में ही इस ग्रुप के लोग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ये ABCD है क्या, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब कि ABCD जो वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में था, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। ये तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि BSF वालों के लिए है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। अब देखिए ABCDEFGHI, ये जो ग्रुप सेंटर में गए होंगे वे लोग, ठीक है। तो वहाँ से जो फाइल मिला होगा, चाहे ये जो भी कार्ड वोड जो भी होगा, या ज्वाइनिंग लेटर पे BSF वालों का लिखा होगा, तो उसमें ये कोर लिखा होगा, ठीक है, ABCDEFGHI ऐसे मालूम हुआ, ठीक है। तो एक ने बताया भी, अब पता नहीं झूठ के साथ, लेकिन बताया कि वो उनको पहले से इन्फॉर्मेशन हुआ है ऐसे। तो वो लोग इस हिसाब से जहाँ पर जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, तो इस शेड्यूल के अनुसार कितने लड़के रहेंगे, तो इस एक के अनुसार 99 लड़के रहेंगे, जम्मू कश्मीर के 23 लड़के रहेंगे, मतलब कि इस प्रकार से ये बटालियन को बनाया गया है अलग अलग भागों में। बटालियन का ना कह करके ये ग्रुप कह लें कि ABCDEFGHI में ग्रुप को बनाया गया है। टोटल 1531 लड़कों को लिया गया है, तो इन लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो ये केवल BSF वालों के लिए है, ठीक है, ये ना कि CRPF, CISF या SSB, ITBP इन लोग के लिए नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे और समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये CISF वालों के लिए नहीं, क्योंकि CISF वाले बहुत परेशान हैं कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा, कब से ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा। तो देखिए इसमें COVID-19 का अगर कोई दिक्कत रहा था, तो ये लोग ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाए होते, ठीक है। तो आप लोग का भी जो है CISF वालों का बहुत जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा और ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो 17 मई है ही, CISF वाले अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मालूम ही है 17 मई, लेकिन अभी तक कोई भी डिले नहीं हुआ। तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।